पहले 3 घंटे का समय था बट फ्लाइट 1 घंटे डिलेट है। जो एरोब्रिज होता है भाई, 4 एरोब्रिज था एक ही प्लेन के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे काफी लोग रूड थे यार, तो जो लाइन लगा रही थी वो बंदी भी काफी रूड वगैरह थी, सही से बात ही नहीं कर रहे थे। यूरोप में एटलीस्ट स्माइल करके बात करते। 6,000 रुपए सिर्फ टैक्सी के, एयरपोर्ट से अपने हॉस्टल पहुंचते तक। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। हालांकि मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली प्लेन से मैं भाई लेट नहीं आया था मुंबई एयरपोर्ट में। फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ और ऑलरेडी मैं प्लेन बोर्ड कर चुका हूँ, लेकिन एयरपोर्ट के आने के बाद और प्लेन बोर्ड करने के पहले तक मुझे 1 सेकंड का भी फुर्सत ना मिला और मैं कहीं ब्लॉग ना कर पाया। तो एक नए जर्नी की स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल से देखा कि मैं जा कर आ रहा हूँ। वेल निकल चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ पहले दुबई। इन सारी बातें आपको मैं दुबई में बताऊँगा। फिलहाल मैं प्लेन ले चुका हूँ ये, और ये जो भाई ये डबल डेकर प्लेन है A380, अगर मैं गलत नहीं हो तो 8380। हम लोग अभी फिलहाल जा रहे हैं दुबई, बट सेम टाइप की प्लेन हमें लेके जाएगी न्यूयॉर्क। सो दो प्लेन चेंज करके जा रहा हूँ। लंबी जर्नी होने वाली है, मेरे साथ बने रहें आप। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं दुबई पहुंच चुका हूं, बट मेरी अगली जो फ्लाइट है जो न्यूयॉर्क के लिए है, पहले 3 घंटे का समय था बट फ्लाइट 1 घंटे लेट है। तो अब मेरे पास बचे हैं 2 घंटे अगली फ्लाइट के लिए। और मुझे एक्चुअली मतलब मुझे इमिग्रेशन क्रॉस नहीं करना है, बट एक्चुअली मुझे जो कपड़े लेके देख रहे हो आप, मैं साइबेरिया वाले कपड़े जो लेके जा रहा हूँ उसको मुझे एक्चुअली दुबई में रखना था। अब फटाफट मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन क्रॉस करूँगा दुबई का, एंड देन वापस से मुझे इमिग्रेशन क्रॉस वगैरह करके सिक्योरिटी वगैरह क्रॉस करके मुझे कंट्री में एंट्री लेनी पड़ेगी, फिर एयरपोर्ट के अंदर वापस आऊँगा। ये सब कुछ करना है मुझे 1 घंटे के अंदर, फटाफट से दौड़ रहा हूँ मैं। तो फाइनली भाई सब कुछ 20 मिनट में हो गया। मैंने इमिग्रेशन क्रॉस किया, कस्टम्स वगैरह क्लियर करके वापस से मैंने एंट्री ले ली है। यहाँ पे मेरा इमिग्रेशन हो गया है। सो वेलकम, दुबई में मैं एंट्री कर गया और बाहर भी निकल गया हूँ। फटाफट मैंने अपना बैग दे दिया एयरपोर्ट पे, वापस से जा रहा हूँ मैं बोर्डिंग गेट की तरफ। अब मेरे पास अभी 1.5 घंटे का समय, ऑलरेडी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। 9:05 का बोर्डिंग टाइम है भाई, बट भाई 1.5 घंटे पहले उन्होंने बोर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बड़ी प्लेन है एंड एक्चुअली 2 डेस्टिनेशन जाती है। पहले जाती है मिलान जो कि इटली में है, एंड देन इटली के बाद ये जाएगी न्यूयॉर्क। सो एक स्टॉप ओवर है, लेकिन मुझे फ्लाइट डिबोर्ड नहीं करना है, मुझे फ्लाइट के अंदर ही बैठा रहना है। यही फ्लाइट सेम फ्लाइट जाएगी न्यूयॉर्क। भाई मेरा गेट नंबर है A20 एंड इसका भाई कुछ अलग ही है। मैं यहीं से ऊपर गया था और वापस से आ रहा हूँ, उधर से ट्रेन मिलेगी मुझे, मुझे पता भी नहीं था मैं ऊपर चला गया था। तो ए कहीं किधर इस तरफ है कि ट्रेन वगैरह मुझे लगता है मिलती है, मुझे पता भी नहीं था। और बेसिकली भाई जब मैंने लास्ट प्लेन बोर्ड की थी वो भी भाई डबल डेकर था, और ये भी प्लेन डबल डेकर है, 600 लोगों की कैपेसिटी वाला, ये बहुत ही बड़ा प्लेन है भाई। और भाई जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पे था तो उसकी एंट्री के लिए आई थिंक 4 गेट्स थे। जो एरोब्रिज होता है भाई, 4 एरोब्रिज था एक ही प्लेन के अंदर जाने के लिए। तो मैंने ये पहला बार एक्सपीरियंस किया था इस तरह की बड़ी प्लेन। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो भाई साहब फ्लाइट बोर्ड करने के लिए तैयार हूँ। मेरे सामने ये है एयरबस A380। ये देखो भाई डबल डेकर प्लेन है ये, एक नीचे लगा हुआ है एक ऊपर लगा हुआ है, जो एयरब्रिज है ऊपर नीचे लगा हुआ है। बड़ी भयंकर प्लेन लगती है भाई। अपने वो यूक्रेन की वाली प्लेन देखी है एंड टर्न ऑफ करके, जो अभी वॉर के टाइम में डिस्ट्रॉय हो गया था, वो भी बहुत भयंकर प्लेन थी। मैंने इसको देखा तो नहीं था बट फिर फोटो वगैरह में देखा था। अब यहाँ से 18 घंटे की जर्नी करने के लिए तैयार हूँ। 18 घंटे क्यों, प्लेन पहले जाएगी मिलान जो कि इटली में है, एंड देन वहाँ पर स्टॉप लेगी, बट मुझे प्लेन को छोड़ना नहीं है, सेम एयरक्राफ्ट में ही मैं पहुँच जाऊँगा JFK के। सो फिलहाल चलता हूँ JFK के। 18 घंटे लगेंगे आई थिंक, पहले 8-9 घंटे तो लग जाएंगे मुझे इटली पहुँचने में, फिर 1 घंटे आई थिंक वहाँ पे स्टॉप होगी प्लेन, एंड देन अगेन निकलेगी। वेल ये है भाई साहब, सारे लोग जा चुके हैं, मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे विंडो सीट ना मिली है। तो कोशिश करूँगा कि विंडो सीट मिल जाए, तो क्योंकि पूरा दिन का सफ़र होने वाला है। अभी यहाँ पे दिन हो रहा है और मैं न्यूयॉर्क वो भी दिन में ही पहुँचूँगा। हालांकि 18 घंटे हो जाएंगे बट जब हम लोग टाइम जोन चेंज करते रहेंगे ना तो पूरा दिन ही रहेगा। अभी मैं दिन में निकल रहा हूँ और मैं दिन में ही पहुँचूंगा, दिन मतलब शाम के आसपास पहुँचूंगा 6 बजे के, तो मतलब अंधेरा कभी होना ही नहीं है, तो पूरा दिन ही रहेगा। तो फिर बादल को निहारते जाऊँगा, बट विंडो वाली सीट मिल जाएगी इसी तरह यार। तो भाई साहब मैं तैयार हूँ 18 घंटे की जर्नी के लिए। मेरे साथ ये हैं भाई साहब, बांग्लादेश से हैं, US में ही रहते हैं। इनकी स्टोरी है कुछ बताऊँगा आपको कभी,
वेल अभी ये जो मैं बैठा हूँ ये थोड़ा मैं लगता है गलत सीट या भी अच्छा सीट मिल गया। ये एक अच्छी बात है कि लेग स्पेस काफ़ी एकदम बड़ा हो गया है मेरे पास, अब सोने में आसानी होगी। इन्होंने एक कंबल दिया है और एक हेडफोन। अब टीवी यहाँ पे लगा हुआ है एक्चुअली भाई, यहाँ पे टीवी है, ये टीवी निकलता है अगर आप देख पा रहे हो, ये आपका स्क्रीन यहाँ पे बन जाएगा। और ये है ट्रे टेबल, क्योंकि मुझे ये वाली सीट मिली है सामने वाली, तो मेरे सामने कोई सीट नहीं है तो इसलिए का ट्री ट्रेवल है। जब प्लेन रवानगी बढ़ेगी तो इसको मैं निकालूंगा और कुछ दो चार मूवीज़ देखूंगा भाई। 18 घंटे की जर्नी है तो मतलब आराम से 5 मूवी तो देख ही सकता हूँ, ये देख के निकल जाऊँगा। और लैपटॉप पे मैंने कुछ कुछ मूवी डाउनलोड भी कर लिए है। एक्चुअली क्या ना, लैपटॉप में क्या होता है कि मेरे पास एयरपोर्ट है ना, तो जो नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह है वो सही रहता है। बट इसमें क्या है कि स्टिल आवाज़ आती है बट उतनी भी नहीं आती। ये वाला जो मैं पहन रखा हूँ अभी मैंने, ये अच्छी क्वालिटी की ये है, बेटर देन मेनी अदर एयरलाइन। और ये बता दो कि इसके लिए मैंने पे किए भाई साहब अराउंड 45,000 रुपये। बट मैंने टिकट ये 8 घंटे पहले बुक किया है, सुबह के 4 बजे की प्लेन थी, मैंने इसको रात के 7-8 बजे बुक किया है। तो 8 घंटे पहले मैंने इस प्लेन जर्नी को बुक किया, 45,000 रुपये का पड़ा, जो कि मेरे हिसाब से अगर आप 8 घंटे बाद कोई प्लेन जर्नी बुक कर रहे हो तो 45,000 रुपये पड़ेगा ही। फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट US के लिए ही थी, तो कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे। भाई साहब हम लोग पहुँचे हैं मिलानो इटली, और मुझे लगा था कि हमें डिबोर्ड नहीं करना पड़ेगा, डिसम्बार्क नहीं करना पड़ेगा, बट सबको उन्होंने जाने के लिए बोला। तो वेलकम टू इटली, मेरे पास सैंगन पड़ा हुआ है, सोच रहा हूँ कि अब एंट्री कर लेता हूँ एंट्री के अंदर। मेरे पास 1.5-2 घंटे का समय है, 2 घंटे का रास्ता है अभी मेरे पास समय है, तो फिर सैंगन मेरे पास पड़ा हुआ है, एयरपोर्ट के बाहर चले जाता हूँ फिर वापस अंदर आ जाऊँगा। आइडिया अच्छा है, वेल अच्छा हुआ यार कम से कम थोड़ा अच्छा ले पा रहा हूँ, वरना बैठे बैठे पागल हो जाता मैं। चलो ये अराउंड 6-7 घंटे की जर्नी थी। इटली तक की जर्नी तो मैंने पहले भी की है, तो फिर जो मेरी जो लॉन्गेस्ट फ्लाइट जर्नी थी वो अब रही नहीं, क्योंकि मैंने अब प्लेन को छोड़ दिया है। हाँ भाई साहब, तो ये है मिलान इटली। एक्चुअली यहाँ पर आने के बाद एक ट्रांसफर डेस्क था, बेसिकली आपको एक सिक्योरिटी जाना पड़ेगा, एक रियल ट्रांसफर जैसा नहीं होता एक कंट्री में वैसा ही था। ज़्यादा समय नहीं था, बट ना मैं थोड़ा बाहर निकलता, अपना जो मेरा वीज़ा लगा हुआ उस पर ठप्पा लगवा लेता, बट कोई नहीं उतना टाइम नहीं मिला तो मैं बाहर नहीं जा पाया। मेरे पास सैंगन वीज़ा था तो मैं इटली में एंटर कर सकता था टेक्निकली। यहाँ पे ट्रांसफर डेस्क था और यहाँ पे आपका वीज़ा वगैरह चेक करते, और अपनों ने मेरा वीज़ा वगैरह चेक किया एंड यहाँ से मुझे अब जा सकता हूँ मैं। ये है ऐसा कुछ माहौल यहाँ पे, बहुत सारे लोग अभी भी आ भी रहे हैं। और मेरे सामने खड़ी इथियोपियन एयरलाइन, ये इथियोपियन एयरलाइन भाई। तो भाई साहब मैं इटली से डायरेक्टली जंप करके मैं आपको न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे मिल रहा हूँ। मैंने इटली से फ़्लाइट ली थी अराउंड 10-11 घंटे की फ़्लाइट, पहुँचा यहाँ पे न्यूयॉर्क। इमिग्रेशन में लग गए 3 घंटे भाई बहुत लंबी लाइन थी, और मैंने से इमिग्रेशन में क्या सवाल पूछा ये बता देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं अफगानिस्तान, यू नो, ईरान, सीरिया, सोमालिया, साउथ सूडान, सूडान, बेलारूस, रशिया, इराक के वीज़ा के बदौलत क्या मुझे एंट्री मिलेगी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे पास ये सारे वीज़ा पड़े हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इनफैक्ट इनको एक्चुअली पहले से पता था कि मैं सारे कंट्री जा चुका हूँ, तो उन्होंने पूछा क्यों गए थे अफगानिस्तान, फिर बोलते हैं नेवर माइंड। तो मतलब इनको पता था कि मैं अफगानिस्तान वगैरह सब जा चुका हूँ, क्योंकि इसलिए मेरे वीज़ा में 2 महीने लगा था, क्योंकि ये सारे चेक किया जा रहा था। हालांकि उन्होंने मुझसे ये पूछा, क्योंकि भाई मैं बहुत टायर्ड हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं 2 दिनों से सोया नहीं हूँ, मैं बहुत टायर्ड था, तो उन्होंने पूछा क्यों आए हो, मैंने कहा फॉर ट्रैवल, तो बोलता है गिव मी मोर स्पेसिफिक, बोलता है साइट सीन वगैरह करने के लिए आया हूँ। फिर मैंने बोल दिया मैं यूट्यूबर, तो फिर वहाँ से खुश हो गए बंदा, बोलता है यूट्यूबर में क्या कितने सब्सक्राइबर है, मैंने कहा 2.7 मिलियन अभी इतने ही के आसपास है। तो उन्होंने कहा और मतलब फिर अच्छा लगा उसको, और फिर तो पूछा किसी से मिलने वाले हो, तो मैंने कहा हाँ यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है, सेल्वी से मिलने वाला हूँ इस ट्रिप पे भी। तो मैंने कहा सेल्वी है, कितने दिन रहोगे, तो मैंने कहा 7 दिन रहूँगा मैं मैक्सिमम, 7-8-10 दिन, पता नहीं यार मेरे खुद नहीं पता कि कितने दिन रहने वाला हूँ। तो बोलता है ग्रीन फ्लाइट टिकट, बोलता है नहीं, मैंने कहा कि मैंने जब मैं आ रहा था ना तो ये जो फ्लाइट ना 8 घंटे पहले कराई थी, तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं अगली बार कंट्री कहाँ जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। उसके फिर बोलते हैं अगले 5 कंट्री तुम जाओगे वो आइडिया दो, तो मैंने बोल दिया कोलंबिया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना वगैरह वगैरह, जहाँ पे मैं बिना वीजा के जा सकता हूँ, तो ये सब मैंने बता दिया उनको। वेल बोला टेक केयर, और कुछ खास नहीं कहा उन्होंने, मतलब सवाल तो काफ़ी पूछ रहे थे मुझसे, और आई थिंक मेरा यूट्यूब वगैरह खोल के भी देखा था, पता नहीं खोला या नहीं खोला मेरे को पता नहीं, कि मेरे सामने था और वो कुछ कुछ कंप्यूटर में किए लिखे जा रहा था। फिर हाँ सेल्वी का नाम बोला, सेल्वी का नाम लिखने के लिए, सेल्वी का नाम पूरा नाम पूछा तो मुझे पूरा नाम पता था, तो मैंने बता दिया। वेल ये है भाई साहब टैक्सी, यहाँ पर इतनी महंगी है, बट एक बात आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आने के बाद, ये देखो हिंदी में लिखा हुआ है भाई यहाँ पे, सही है यहाँ पे, ये ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पे।
एयरपोर्ट कुछ खास नहीं लगा भाई मुझे, ये तो इतना नॉर्मल एयरपोर्ट है यार, इंडिया का एयरपोर्ट मुझे लगता है इससे बेटर लगता है। जेएफके है न्यूयॉर्क, वन ऑफ द यू नो मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड, उसका एयरपोर्ट मुझे कुछ खास नहीं लगा। टॉयलेट भी गया था थोड़ा गंदा ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा ठीक है, यूएसएफ का नाम है मुझे यहाँ की कुछ ऐसा, मुझे मतलब यू नो जब मैं यूरोप में था तो यूरोप लगता था कि अच्छा कुछ अच्छी फीलिंग आती थी यूरोप से, कि हाँ यूरोप में ना थोड़े लोग स्माइल भी करते थे। यहाँ पे काफ़ी लोग रूड थे यार, जब वहाँ पे जब मैं आ रहा था ना तो जो लाइन लगा रही थी वो बंदी भी काफ़ी रूड वगैरह थी, सही से बात ही नहीं कर रहे थे। यूरोप में एटलीस्ट स्माइल करके बात करते हैं, यहाँ पे तो मेरे से अभी तक किसी ने स्माइल करके बात नहीं की। बाकी आगे जो होगा आपको मैं बताने चलता हूँ। ये कुछ ऐसा माहौल है, एटीएम तो मुझे कुछ दिखा नहीं यहाँ, कहाँ पे एयरपोर्ट पे कहाँ पे एटीएम वगैरह है, ये कार रेंटल वगैरह वगैरह का सिस्टम है। हाँ बाकी हिंदी में लिख रखा है हर जगह इन लोगों ने, तो ये ठीक है। तो भाई साहब मैं आ चुका हूँ यहाँ से, मैं ट्रेन लेने वाला हूँ जमैका स्टेशन के लिए। ट्रैक 1 पे आएगी ट्रेन 4 मिनट के बाद, ये है कुछ ये, और यहाँ पे आएगी ट्रेन, यहाँ से मैं लेने वाला हूँ, जमैका जाने वाला हूँ। पहले जमैका एक देश भी है बट जमैका मैं देश के अंदर नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ से रेलवे स्टेशन है जो कि यहाँ पे मेट्रो को कनेक्ट करता है, ये जो स्काई ट्रेन कहते हैं शायद इसको, स्काई और एयर ट्रेन समथिंग लाइक दिस है। और ये जमैका जाऊँगा मैं, जमैका स्टेशन है, जमैका स्टेशन से वापस मेट्रो लेके अपने हॉस्टल पहुँचूंगा। मैंने हॉस्टल बुक किया है तो ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, 6 बजे लैंड किया था मैं 6:30 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे हो गए हैं। अब निकलता हूँ डायरेक्टली जमैका। भाई यहाँ से मैं एयर ट्रेन लेके आया और यहाँ पे बहुत सारे टिकट काउंटर से मैं टिकट लिया, $12 का टिकट आया भाई सब, जिसमें कि एयर ट्रेन की जो फी है $8.5 है और प्लस आई थिंक $2.5 मेट्रो की फी है एंड प्लस $1 इस कार्ड का लिया उन्होंने, तो ये मतलब $12 लग गए भाई, अराउंड ₹1000 मेरे चल गए भाई मेरे हॉस्टल पहुँचने में, और वो भी बिना टैक्सी के। टैक्सी लेता तो भाई कम से कम 5-6 हज़ार रुपये, तो सोच लो कितना महंगा है न्यूयॉर्क, 6 हज़ार रुपये सिर्फ टैक्सी के एयरपोर्ट से अपने हॉस्टल पहुँचते तक। हालांकि मैंने सिर्फ ₹1000 पे किए हॉस्टल पहुँचने तक। ये है, चलो एग्जिट करते हैं यहाँ से भाई। एयर ट्रेन लेने के बाद मैं अब सबवे ले रहा हूँ, सबवे ई यूज कर रहा हूँ, इधर से निकलता हूँ मैं। छोटा सा एस्केलेटर है, ओह थोड़ी बाहर ठंडी है, और भाई बाहर काफ़ी होमलेस लोग थे यार, अलग अलग तरीके के स्मोक कर रहे थे वहाँ पे, और डर सा गया था मैं कि सुना है कुछ कुछ पार्ट न्यूयॉर्क का उतना सेफ भी नहीं है, तो थोड़ा सा डर सा गया था। फटाफट निकला मैं वहाँ से, अब मैं जा रहा हूँ सबवे लेता हूँ और पहुँचता हूँ मैं अपने हॉस्टल, और जाके पे सोता हूँ पहले।